कि अगर ये पुराने पेमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो हम लोग मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और आपके साथ मैं हूं शंकर दत्तपाल। इन दिनों इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि वरुण गांधी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, बल्कि भाई राहुल गांधी तो वरुण गांधी को इशारों इशारों में कांग्रेस में आने का न्योता भी दे चुके हैं। लेकिन इस बात पर वरुण गांधी ने न तो कोई बयान दिया और न ही इस बात को लेकर अपना पत्ता खोला। लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी इशारों इशारों में जिस तरह केंद्र पर हमले कर रहे हैं, उसे देखने से तो यही लगता है कि उनका बीजेपी से जाना पक्का है। ये बात हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। दरअसल वरुण गांधी बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर किसानों का समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो चीनी मिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। महीनों से हम लोग अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि जो किसानों का भुगतान है वो पूरा करे। पेमेंट समय पे नहीं हो रहा है। पिछले बार जब मैं आया था हम लोगों ने मजबूती से बात रखी और हम लोगों ने एक आंदोलन के लिए ऐलान किया, तब जाके एक बड़ा भुगतान हुआ। लेकिन आज भी गन्ना देकर जो किसान मिलों पे कृपा करता है, एहसान करता है, उपकार करता है, उसको इस तरीके से रखा जाता है 6 महीने 1 साल, जैसे कि देने के बाद भी उसी के ऊपर उपकार हो रहा है। ये बात मैं यहाँ के प्रशासन के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा और अन्य नेतागण के द्वारा रखना चाहता हूँ कि अगर ये पुराने पेमेंट जल्दी नहीं दिए गए तो हम लोग मजबूर होंगे एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए, शुरू करने के लिए, सृजन उसका करने के लिए। और फिर हम लोगों को किसानों का जो अधिकार है, आज को हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वो हम लोगों को दबाव बना के किसानों का अधिकार लेना पड़े। वरुण गांधी ने इस दौरान सड़कों की हालत देख अपना गुस्सा भी जाहिर किया और सड़क बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और जेल में डालने तक बोल डाली। जिस रोड से मैं आया था, इस रोड की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर। हालांकि ये रोड 3 साल पहले ही बनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पत्र से एक चिट्ठी जाए, हम लोग पता करें कि कौन से ठेकेदार ने ये रोड बनाई। अगर वो सही में 3 साल में बने हैं तो मैं ये मांग करूंगा कि उस ठेकेदार को जेल की सजा होनी चाहिए। वरुण गांधी के इन बयानों से तो यही साफ नजर आ रहा है कि वो सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हो गए हैं और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब ये तो वरुण गांधी को ही तय करना है कि उनका आखिरी फैसला क्या होगा। लेकिन उनके कुछ दिन पहले के बयानों ने राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।